नैनीताल के नवनियुक्त जिलाधिकारी धीराज गबरियाल ने कल विकास भवन सभागार में जिला योजना की पहली समीक्षा बैठक लेते हुए योजना में अवमुक्त धनराशि को कार्यों में गति लाकर शीघ्र व्यय करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि योजना कार्यों का वित्तीय समीक्षा के साथ ही भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वो विकास खंड धारी ओखला कांडा क्षेत्र में पशु कृत्रिम गर्भाधान चलाएं ताकि क्षेत्रवासियों की आय में वृद्धि हो सके। मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक विद्यालयों का रूपांतरण करने हेतु प्रत्येक विकास खंड से 10-10 विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। और उनका एक विंग है जहाँ पे सीखने के लिए देश विदेश से लोग वहाँ पे आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, आपका यूरोप से भी आते हैं, तो हम पहली बार यहाँ के बच्चों को वहाँ पे एक्सपोजर के लिए ले जाएंगे। तो वहाँ पे एक ट्रैक लीडरशिप कोर्स होता है, वो लगभग 14 दिन का कोर्स होता है। उसमें एक स्टूडेंट पे या एक जो हमारे लाभार्थी हैं उस पर लगभग 16,000 का खर्चा है। तो उस हिसाब से मान के चलिए, एक तो खर्च के हिसाब से वो हमें सब्सिडी देते हैं या सब्सिडाइज रेट पे हमें प्रशिक्षण देने को तैयार है। वो इंडोर में भी ट्रेनिंग कराते हैं, आउटडोर में भी ले जाते हैं, नेचर के साथ आपको रूबरू कराते हैं। तो कुल मिला के ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप उसमें एक लीडरशिप की भावना वो लोग अपना डेवलप करते हैं, तो फर्स्ट फेज में हम लोग मिनिमम 30 बच्चों को हम लोग वहाँ पर भेजेंगे मार्च के महीने में। तो ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, नैनीताल।